नेशनल हेराल्ड के साइट पर ये उपलब्ध है, आपको हम कॉपी देंगे। उन्होंने राहुल गांधी की पूरी स्तुति गाई है इस लेख में उनके लंदन विजिट के बारे में, और उसमें मैं दो लाइन पढ़ना चाहूंगा। इन कोर्स ऑफ टू डेज द 47 ईयर ओल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट पार्टूक इन सेवरल एंगेजमेंट एंड पुल्ड ऑफ ए रिमार्केबली सक्सेसफुल ट्रिप। He came as a pleasant surprise to most who heard him first hand. और बाकी इसमें कितना स्तुतिगान है, इसकी हेडिंग दी है राहुल गांधी's unscripted मन की बात in London. तो इसकी कॉपी हम आपको देंगे। अब जरा सा मैं श्रीमान आशीष रे के कुछ ट्वीट्स को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कई ट्वीट्स हैं कि टैगोर का बंदे मातरम ने उन्होंने आलोचना की थी, उसे छोड़िए। अब देखिए इनका एक ट्वीट है जनवरी 11 का, डिलाइटेड दैट राहुल गांधी मेट वर्किंग क्लास इंडियंस इन यूएई, नरेंद्र मोदी द पेटी बुर्जुआ नेवर डिड दिस। ये इनका एक ट्वीट है, इसकी भी कॉपी आपको हम देंगे। इनका दूसरा ट्वीट है जनवरी 14 का, बॉयज एंड गर्ल्स younger than my children are being accused of sedition by Narendra Modi. What draconian! Indian National Congress, please save India. INC, please save India. ये इनका दूसरा ट्वीट है जो मैं भी पढ़ रहा हूं। कई ट्वीट है, बाकी उन्होंने सीतारामन को बहुत गाली बड़ी है। अब ये जनवरी 3 का एक ट्वीट देखिए, एथिज्म ऑफ क्या है सिम स्पीक इज कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, द फैसिज्म ऑफ आरएसएस ऑर्ग एंड बीजेपी इज नॉट। तो मैंने कहा कि समर्पित कांग्रेसी हैं, नेशनल हेराल्ड में लिखते हैं और सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करते हैं। कहां के पत्रकार हैं ये मुझे पता नहीं, इनका आज तक मैंने कोई लेख नहीं देखा। लंदन हमारा भी जाना होता है, वहां भी पत्रकारों से मिलना होता है, फॉलो भी करता हूं, लेकिन ये श्रीमान किस स्तर के पत्रकार हैं, कहां लिखते हैं, कहां छपते हैं, ये मुझे पता नहीं है। अब तो आपने देख लिया कि यह पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था, वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं, और उसके मैंने आपको सबूत दे दिए। अब ये श्रीमान सैयद शुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं आईटी मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका, और मैं देश दुनिया के आईटी एक्सपर्ट्स की थोड़ी खबर रखता हूं क्योंकि मेरे काम का वो दायित्व है। तो ये श्रीमान कहां से प्रकट हो गए ये मुझे समझ में नहीं आया। इनवाइट में कहा गया था, जो लंदन में उनका कार्यक्रम था, कि ये ईवीएम को हैक करते हुए दिखाएंगे, ठीक है, और वो श्रीमान अमेरिका से प्रकट होते हैं, वो भी चेहरा ढाक करके प्रकट होते हैं। तो ये कौन सा नाटक है मुझे ये समझ में नहीं आया। वो कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए, इसके मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने किसका साया लिया? स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का, जो अब स्वयं उपलब्ध नहीं है इसका जवाब देने के लिए। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हम उन्होंने शपथ ली थी, उसके 1-2 महीने में उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ, दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था कार से। और सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं, जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कल 1-2 टीवी चैनल्स में कहा कि मैंने पोस्टमार्टम किया था और वो कार एक्सीडेंट के कारण उनके गर्दन में चोट लगी, उनकी डेथ हुई। तो ये हत्या कहां से बोल रहे हैं भाई? दूसरा बकवास देखिए, बाकी सब चुनाव गड़बड़ है, सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ठीक है, वहां हैकिंग नहीं हुई है। अब इसका और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को
पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संजय को मालूम होगा, एक कहावत है, जहां जहां पड़े चरण संतन के तहां तहां भंटाधार। ये व्यंग है, उसको व्यंग कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। व्हाट मिस्टर कपिल सिब्बल वाज डूइंग देयर, द बीजेपी वाज लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन, इन व्हाट कैपेसिटी वाज कपिल सिब्बल प्रेजेंट देयर, किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित। मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे, और कपिल सिब्बल ऐसा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राम जन्मभूमि पर क्या क्या बहस कर दी, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसे दूर नहीं किया उनके आर्गुमेंट से। आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ के खिलाफ इंपीचमेंट फाइल कर दिया, बाद में वापिस हो गए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि यह इंपीचमेंट से हम अपने को अलग करते हैं। अब मैं इससे कुछ बड़े सवाल उठाना चाहता हूं। इस पूरे आयोजन से क्या 2014 के देश के जनमत का अपमान हो रहा है? इज द कांग्रेस स्पॉन्सर्ड इवेंट डिजाइन टू डिफेम द पॉपुलर मैंडेट ऑफ 2014? क्या यह देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अपमान है? और कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, यूपीए पावर में थी, हम नहीं थे। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा, यह पूरी कमेटी जो बनी थी 2010 में बनी थी, जो पूरा ईवीएम के टेक्नोलॉजिकल इश्यू को देखती है, मैं उस पर अलग से आऊंगा। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे, ये कौन सा लॉजिक है? ईवीएम आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहा है, आपको भी मालूम है, अब लगभग 20 साल हो गए ईवीएम को काम करते। जहां तक मुझे याद है कि 96 के चुनाव के बाद से ईवीएम इन्वोक है। 10 साल यूपीए सत्ता में रही कांग्रेस की अगुवाई में, तो ईवीएम ठीक था। 2007 में मायावती जी यूपी में कस के जीती, तो ईवीएम ठीक था। 2012 में उसी ईवीएम से अखिलेश यादव जीते उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम ठीक था। ममता जी बंगाल में जीती विधानसभा में दो बार और लोकसभा में काफी जीती, तो ईवीएम ठीक था। लेकिन इस बार के चुनाव में उनको लगा कि वो हारेंगी लोकल बॉडीज में, जहां ईवीएम नहीं था, तो किस तरह से लोगों को वोट देने से रोका गया और बैलेट पेपर को स्टफ किया गया, ये आपने टीवी पर दिखाया है कि काउंटिंग हॉल में भी वोटिंग हो रही थी। तो क्या ईवीएम हटा करके ममता जी उसी प्रकार की वोटिंग को लाना चाहती हैं क्या? ये सवाल है। और सुनिए, श्रीमान केजरीवाल जी जीते दिल्ली में, तो ईवीएम ठीक था। अमरिंदर सिंह जीते पंजाब में, तो ईवीएम ठीक था। एलडीएफ जीता केरला में, तो ईवीएम ठीक है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है, ये कौन सा लॉजिक है भाई? इससे बड़ा शर्मनाक, मतलब शर्मिंदगी से बड़ा कोई तर्क हो नहीं सकता है। डिजाइन टू कॉम्प्रोमाइज द सैंक्टिटी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। देखिए, आप एक बात और जानिए, बाकी चुनाव आयोग ने कल कहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाती है, फुल प्रूफ है। भारत के चुनाव आयोग और भारत के लोकतंत्र की दुनिया में चर्चा होती है, और आपको मालूम है बहुत बड़ी संख्या में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के इलेक्शन कमिश्नर्स को दुनिया में बुलाया जाता है, क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि एज ए लॉ मिनिस्टर इन चीजों की मुझे जानकारी रहती है। आज दुनिया भर में
लोग भारत के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहते हैं, और जो पार्टी भारत में 58 साल राज कर चुकी है वो उस संस्था पर इस तरह के बड़े ही शर्मनाक हमले करवा रही है। याद करिए, पत्रकारों को अनुभव होगा, 2017 में जब ये चर्चा आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक हैक कराया था कि चैलेंज दिया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए ईवीएम को हैक करके दिखाए। जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड माई जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, इन 2017 द इलेक्शन कमीशन हैड ऑर्गेनाइज एन ओपन चैलेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ दिल्ली फॉर 3 डेज, एनी पोलिटिकल पार्टीज कैन कम एंड शो हाउ दे कैन हैक द ईवीएम। कोई नहीं गए, कांग्रेस पार्टी भी नहीं गई, मैंने सुना कम्युनिस्ट पार्टी गई और कुछ बोल के निकल गई, और ये सैयद शुजा महाशय भी नहीं दिखाई पड़े। अगर इतने बड़े हैकर हैं कि वो 10 साल से इसमें लगे हुए हैं तो 17 में आ जाते, वो तो भी नहीं दिखाई पड़े। हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में हारने का बहाना अभी से ढूंढ रही है। इट इज बीजेपी's वेरी डेफिनेटिव चार्ज दैट इन व्यू ऑफ द क्लियर इंडिकेशंस दैट द कांग्रेस पार्टी विल लूज, इट इज सीकिंग एन एलिबाई फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मैंने बार बार कहा था कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं, मेरी एक टिप्पणी रही है, लेकिन राहुल गांधी की पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती है ये मुझे कल्पना नहीं थी जो इन बात से सामने आती है। मित्रों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, अब ये संस्था उनसे कितनी जुड़ी है। 22/11/2018 को सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था कि पूरी वोटिंग को बैलेट पेपर में रिवर्ट किया जाए, और सुप्रीम इट वॉज पार्टीज नेम वॉज न्याय भूमि एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और इसमें क्या लिखा, माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री केम जोसेफ जस्टिस एम आर शाह ने, हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स एंड अपॉन पेरियूजिंग द रेलेवेंट मटेरियल्स वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द रिट पिटिशन, द सेम इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है, राफेल के व्यापक निर्णय को भी नहीं स्वीकार करती है, वो इलेक्शन कमीशन पर हमला करती है, वो सीवीसी पर हमला करती है, और जैसे मैंने बताया जिस चीफ जस्टिस से उनको खुंदक होती है उस पर इम्पीचमेंट भी लाते हैं और बाद में विड्रॉ भी करते हैं। तो जो मेरे खिलाफ और बीच क्षमा करिए हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ जो बार बार इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी आरोपी है कांग्रेस पार्टी, जो सुनियोजित तरीके से भारत की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं की अस्मिता को कमजोर कर रही हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीवीसी इज ए लीगल बॉडी। तो जो हमारी बात नहीं माने या जो हमारे मन लायक काम नहीं करे, हमें जनता के मत से मतलब नहीं, उसके खिलाफ हम करेंगे। याद करिए, एक प्रकरण हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, आपको याद है ना, डेटा के मिसयूज करने का। मेरे विभाग ने उनको नोटिस की थी कि भारत के चुनाव को हम डेटा के अब्यूज से प्रभावित नहीं होने देंगे। आपको मालूम है फेसबुक ने माफी मांगी थी, कई करेक्शंस किए थे, कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे। इन्होंने एक जवाब दिया और बाद में ठंडे हो गए। हमने इस मामले को सीबीआई में भेज दिया है कैम्ब्रिज एनालिटिका कि पूरे मामले की जांच की जाए, और बाद में हमने सुना कि वो संस्था भी बंद हो गई है। क्या कल की घटना कैम्ब्रिज एनालिटिका नंबर 2 है, ये हमने जानना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ईमानदारी से बताएं, और इस तरह के कितने खुराफात आपके द्वारा होने वाले हैं, देश को जानने का अधिकार है कि आप अपने चुनाव में होने वाली प्रामाणिक हार को कितने बहाने ढूंढने, कितने बहानों से बचाने की कोशिश करने वाले हैं।
Mr. Rahul Gandhi and the Congress Party, the country is entitled to know, in view of your definitive loss in the coming elections of 2019, how many more alibis you are going to offer. Mitro, aaj hamare adhyaksh ji ka is par ab meri tippani complete hui, aapke sawalon ka uttar dunga. Ek vishay aur gambhir hai. Aaj hamare adhyaksh ji ki rally hai Malda mein. कल मैंने और मित्रवर पीयूष गोयल जी ने चर्चा की थी उनके हेलीकॉप्टर को कैसे नहीं लैंड करने दिया गया था. आज हमें जानकारी मिली है कि हमारे कार्यकर्ताओं को समर्थकों को आने में कठिनाई पैदा की जा रही है. बस को काफी पहले रोक दिया जा रहा है. सभी लोग को उतारा जा रहा है. गांव में आने से रोका जा रहा है. ममता जी इतना क्यों घबराई है भाई? ममता जी तो फाइटर है ना. तो लोग कहती हैं कि मैंने सीपीएम से फाइट किया. तो ममता जी आपने सीपीएम से फाइट किया तो बीजेपी से फाइट करने में डरती क्यों है? खुलेआम लड़िए ना, लड़िए खुलेआम, तो जनता होगा तय करी. तो कभी परमिशन नहीं देंगे, कभी यात्रा नहीं निकालने देंगे, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने देंगे. तो आज मैं ममता जी को एक बात कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से. हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा था, अंडरग्राउंड में काफी एक्टिव थे. जब भी जेपी या हम लोग रैली होती थी तो कांग्रेस पार्टी यही करती थी, नाव बंद करा दो कि नाव से लोग नहीं आए, बस को रोक लो, बैरिकेड लगा दो. तो 77 में क्या हुआ ममता जी, आप भी कांग्रेस में थी उसमें मालूम है. ऐसा मत करिए, बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है, उस हवा को सरकारी तंत्र से मत रोकिए, वरना बंगाल के गौरवशाली लोग और गुस्से में आएंगे आपके खिलाफ. दैट्स ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ. Now, first of all, what Election Commission does is entirely their outlook. But the confirmation that he was never involved with any system, as he has claimed, further exposes the complete falsehood of this whole organized. देखिए, इसके प्रूफ की क्या जरूरत है? इसको देश के सामने हम बेनकाब करेंगे. We'll expose this whole conspiracy before the people of India. And हम देश के लोगों को बताएंगे कि देश के 90 करोड़ जनता आज आपके जनमत का अपमान कांग्रेस पार्टी लंदन के कॉन्स्पिरेसी से करवा रही है. ये बताएं. Well, my point is very simple. If Mr. Kapil Sibal had gone for a private visit, I think he is intelligent enough to understand the implication of this press conference, why he was there. If it is a coincidence, it is a too much of a coincidence. It is a false alibi. He had gone there with a deliberate design. जहाँ तक अभिषेक मनु सिंघवी का सवाल है, कितनी बार कांग्रेस पार्टी नकारेगी जब सच्चाई छुप सामने आ जाएगी कि कांग्रेस का इससे संबंध नहीं है. इसीलिए मैंने आज पूरे प्रमाण लेकर के आया हूं कि इसके प्रमुख आयोजक जो प्रेसिडेंट थे उनका कांग्रेस से कितना अंतरंग संबंध है, ये सब एविडेंस हमने दिया है. मेघा प्रसाद, first of all, the book you are talking about, having been written by a BJP member, does not represent the view of the BJP. Be very clear about it. The second, he has himself clarified that once the paper trail were introduced, I am okay with it. But I wish to again repeat, his book
does not represent the view of the BJP. The point number one. Point number two, election commission to hamesha khud hi sudhar karta hai. Ye jo paper trail ki baat aayi hai, Supreme Court ne kaha, humne kaha theek hai. Uski funding bhi humne kari. Yahan sawal, iska sawal ye hai ki EVM ko khatam kiya jaye aur ballot paper laya jaye. To usi prakar ka chunav hoga jo aapne dekha local bodies ke election mein Bengal mein. क्या ये जनता के पॉपुलर मैंडेट को छीनना चाहते हैं? आज भारत का ईवीएम दुनिया में चर्चा उसकी हो रही है, अच्छी बात है. और कोई प्रश्न? जो 2017-18 की जीडीपी में बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अधिक रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? अच्छी बात है, अच्छा काम हो रहा है, अभिनंदन है, बिल्कुल. देखिए, जब जब नीतीश जी आते हैं बीजेपी के साथ तो गुड गवर्नेंस महत्वपूर्ण हो जाता है. समझ गया? That's all. देखिए, आपको मैं एक बात कहूंगा, ये साजिश तो है और इस साजिश में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित साजिश है. अब इसके अंतर्राष्ट्रीय इंप्लीकेशंस हैं या नहीं है, आप भी थोड़ा मदद करिए, आप भी तो खोजी पत्रकार हैं. लेकिन जहां तक हम लोग का सवाल है, हम देश के सामने भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने के इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद साहब. लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा जवाब यही है कि उनको इसके बहाने के रूप में एक ऐसा नाम देना था जो व्यक्ति अब जीवित ना हो, जो इसका जवाब नहीं दे सके. और गोपीनाथ मुंडे हमारे बड़े अंतरंग मित्र थे और बहुत वरिष्ठ नेता थे हमारी पार्टी के. अब उनके खिलाफ इस तरह की मैं क्या अशोभनीय बात होगी ना. इसलिए डॉक्टर ने क्लैरिफाई किया, हम लोग सब लोग उस उनके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के समय थे, तो ये बहुत पीड़ादायक है. अनामिका रत्न, क्या स्वामी जी से बहुत क्या स्वामी जी से बहुत प्रभावित हो गए हैं क्या आजकल? रोज रोज तो उनकी आलोचना करते हैं वो. चलिए, धन्यवाद.